तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि यामाहा ने एक ऐसी बाइक निकाली है जिसने पूरी मार्केट में बवाल मचा रखा है, और अगर मैं उस बाइक के बारे में बताऊं तो वो है यामाहा की RM5M। जिन्होंने अभी हाल ही में यामाहा R1M ली है और वो लोग परेशान है कि भाई नई बाइक है, एक्सेसरीज कहीं भी मार्केट में मिल नहीं रही है। एक काम करो यार, आप बाइक को देख के आओ पास से। तो अब हम लोग आ चुके हैं शॉप के अंदर और भैया हैं हमारे साथ। भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद हम लोग बहुत दिनों बाद ही है। तो भैया एक चीज़ बताओ, आपने जो ये बाइक तैयार करी है, मतलब इसमें तो कुछ चीज़ रह नहीं गई है वैसे सीरीज के मामले में अगर हम बात करें, तो आप थोड़ा बहुत बताना चाहो कौन कौन सी चीज़ें चेंज करी है और प्राइस मेन है कि क्या क्या मेन है, और उसके बाद उसमें अलग अलग कलर्स भी हैं। ओके, स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। ये सबसे पहले इसमें नंबर प्लेट लगाई हुई है हमने। ठीक है, कस्टमाइज कराई है स्पेशल इसके लिए। ओके, इसकी कॉस्टिंग है 550। ठीक है, फिर एक ये है फॉक्स लेडर, शॉकर प्रोटेक्टर कह सकते हो आप इसको। ओके, ये है 600 का पेयर। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आप देख रहे हो दोनों साइड का। हाँ, इसमें अलग अलग कलर अवेलेबल है, जैसे गोल्ड भी मिल सकता है, हमने ब्लू लगाया हुआ है इसमें, और सिल्वर भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा। इसकी 2450 कॉस्टिंग है। ठीक है, तो भैया मेरा एक क्वेश्चन था, इसका कुछ काम है या फिर ये सिर्फ लुक के लिए है? इसका मतलब काम भी है, अगर बाइक जैसे गिरती है तो ये प्रोटेक्ट करता है, अगर हमने ये ना लगाए हो तो। ये तो हमने एक डिस्प्ले बाइक बनाई है, सब कुछ लगा के दिखाया, किसी ने ये नहीं लगाया, ये लगाया तो ये पर्पस सॉल्व करेगा। ओके ओके, ठीक है। अगर हम और आगे जाए तो ये देखो, ये विंग्स है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है, ये छोटा वाला लगाया है, एक इसमें थोड़ा सा बड़ा आता है। okay. ये 400 का है, और जो है बड़ा वाला है वो 600 का है। ओके, उसके बाद ये देखो, ये विंगलेट है, ये जो पूरी इसकी एनहांस कर रहा है लुक। हाँ, इसकी कॉस्टिंग है 800। ठीक है, इसमें आपको शाइन ब्लैक और मैट ब्लैक ये दोनों कलर मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद ये मिरर्स आते हैं जो कि ZX10R या R6 कह लो, जो कि पूरी आगे की बाइक एग्रेसिव लुक कर देते हैं। इसकी कॉस्टिंग है 2600। ठीक है, और स्पेशल ये इसी की फिटिंग के लिए हमने बनाया, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करी है। okay. जो कंपनी का मिरर इसके साथ आता है उसी के अंदर हमने इसको फिट कर दिया। तो ये एडजस्टेबल, मतलब आगे पीछे देखो, तो ये मूव भी हो सकते हैं, अगर जाम में जाओ तो भाई अपना बंद कर लो। बंद कर लो, और अब स्पोर्ट्स कहीं बाहर चला रहे हो तो खोल लो। ठीक है, उसके बाद ये है डबल बबल वाइजर, सिंगल वाइजर है। हाँ, इसमें डबल बबल भी आता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट कलर भी मिल जाता है। इसकी कॉस्टिंग है 750। ठीक है, और मिरर्स की? मिरर्स की मैंने बताई 26। हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ हैंडल की तरफ आते हैं, एक ये है इसका हैंड प्रोटेक्टर। ठीक है, इस पे दो तीन ऑप्शन आते हैं, जो ये एट प्रेजेंट हमने लगाया है, इसकी कॉस्टिंग है 1800। ठीक है, और एक ये लीवर है। हाँ, लीवर इसमें फोल्डिंग है एडजस्टेबल। अच्छा, एक फोल्डिंग वाला आता है, एक आता है नॉर्मल एडजस्टेबल, इसकी कॉस्टिंग है 1400। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग होगी 1000। ठीक है, और ये प्रॉपर इसी बाइक के लिए है। हाँ, और इसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, मतलब जिसकी बाइक जैसी हो, जैसे थीम है, रेड बाइक के लिए अलग हो गया, गोल्डन के लिए अलग हो गया, बहुत सारे कलर ऑप्शन है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हो, एक ये हैंडल टी है, ये हमने ब्लू कलर की लगाई है, एक्चुअली गोल्डन थीम पे जा रही थी, लेकिन कोई कस्टम गोल्डन खत्म हो गया तो वो निकाल के ले गए। अच्छा अच्छा, तो ब्लू इसमें लगानी पड़ी हमें। ठीक है, इसकी जो कॉस्टिंग आएगी 2600 आएगी। ओके, एक ये की जैकेट है इसकी। हाँ, इसमें भी अलग अलग कलर ऑप्शंस है हमारे पास, ये 500 का मिलेगा, मतलब एक कवर है ऊपर से लग जाता है, और ये की रिंग है, ये 50 रुपीज का। ठीक है, फिर ये है सिमटेक का मोबाइल सिस्टम विद चार्जिंग, विदाउट चार्जिंग भी आता है, विद चार्जिंग भी आता सिमटेक है। हाँ, सिमटेक का। ओके, इसकी जो कॉस्टिंग है ये है 1500। हाँ, 18 मंथ्स की वारंटी है। ठीक है, और जो विदाउट चार्जर आता है वो 1100 का है। ओके, और एक इसमें ऑप्शन और है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो है वाटरप्रूफ। अच्छा, हाँ, बाइक अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, बारिश आ जाती है, तो वाटरप्रूफ रहेगा पूरा। तो भैया सिमटेक बहुत नाम सुन रहा हूँ मैं आपके पास, पूरा ये लॉट सिमटेक का ही है। आप जैसे बोल रहे हो। हाँ, ये हजार सिस्टम जो अलग अलग पैटर्न में चल रहे हैं। हाँ, ये सिमटेक का ही कंपनी का ही है। अच्छा, ये 21 पैटर्न में आता है, और ये सेफ्टी के पर्पज कह लो या एक रोड प्रेजेंस बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, वारंटी के साथ आता है 2 इयर्स की। स्पेसिफिकली हम सिमटेक यूज कर रहे हैं तो कोई वजह है, मतलब आपका? सिमटेक के अंदर ये खासियत है, एक तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, और हर एक बाइक के हिसाब से कंपैटिबल बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसकी वायरिंग काट रहे, उसकी डायरेक्ट उसके जो सॉकेट कंपनी के आते हैं उसके बाद प्लग एंड प्ले है, सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम और, मतलब इस बाइक में तो भाई एक्सेसरीज भारी पड़ी है, भैया भी थक गए हैं यहाँ पे बताते हैं। ये तो खैर 30 से 35 एक्सेसरीज है। हाँ, और आगे और आती रहेगी। अच्छा, क्योंकि बाइक लेने का मकसद ही यही है। हाँ, कि मेरे पास रहेगी तो कुछ दिमाग चलेगा। सही बात है, सही बात है। तो उसके बाद आप सबसे मेन जो इसका है वो
आपको मैं बताऊंगा ये है क्रैश गार्ड जो कि सबसे ज्यादा इसका मतलब बाइक की जो लुक बढ़ाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। कस्टमर जब बाइक लाता है शोरूम से तो ये लगवाना चाहिए। जो कंपनी दे रही है वो तो एक मजाक है, कुछ नहीं है, जरा सी बाइक गिरेगी वो खुद ही टूट जाएगा, बॉडी को भी तोड़ेगा। ये हमने चेसिस के साथ सपोर्ट करके बनाया है। अगर बाइक गिरती है तो चेसिस पे लोड आएगा, फ्रेम में या किसी चीज में, चैम्बर में नहीं आएगा। तो ये दोनों साइड का ये आएगा। अच्छी लुक है, आपकी बाइक भी बचेगी, आपके पैर भी बचेंगे। इसकी जो कॉस्टिंग है 3000 रखी है हमने पेयर की। ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर ये है एक इंजन चैम्बर का कवर, ये राइट साइड का है, इसकी कॉस्टिंग है 1500। इसमें भी अलग अलग कलर ऑप्शन है, मतलब जैसा आप बाइक की थीम बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। और उसके बाद ये आता है फुटरेस्ट पैक, रेसिंग फुट पैक कहते हैं इसको। ये भी दोनों साइड है, बोथ साइड के लिए। ये है 4250 का, 4250 प्योर सीएनसी एल्युमिनियम का बना हुआ है। जंग वंग कुछ कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है, ना कलर जाएगा ना जंग लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है ये बाइक के अंदर। एग्जॉस्ट की बात करें, मेन तो एग्जॉस्ट ही है भाई। अगर कोई ऐसे फेयरिंग वाली बाइक लेता है तो उसको एग्जॉस्ट तो चाहिए। जो कंपनी से एग्जॉस्ट आता है वो तो बिल्कुल बंद है, उसमें तो कोई आवाज नहीं है, मजा ही नहीं चलाने का। तो ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, इसकी आवाज एक बार आपको सुनवा देंगे हम। तो ये अपना एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट है, एक्रोपोविक है। ऑप्शन तो आप देख रहे हो, पीछे पूरी गैलरी लगी हुई है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, एक एक एग्जॉस्ट की प्यारी प्यारी आवाज सुनवाएंगे आपको। ये एग्जॉस्ट है, ये इसकी बैंड पाइप है जो की कम्प्लीट आ रही है, फुल सिस्टम जिसको कहते हैं वो है ये, मतलब कस्टम आपने पूरा पूरा। ओके, और एक चीज और इसके अंदर हमने लगाई है जो कि आप देख के भी नहीं पहचान पाओगे क्या है। क्या चीज? वो है ये अंडरबेली। अच्छा, ओके, ये ऐसे आपको लग रहा होगा जैसे कंपनी से आई है, से आई है। हाँ, क्योंकि इसका कलर पेंट सब जो है हमने ओरिजिनल करवाया है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी, आप देखोगे ओरिजिनल बाइक और इस बाइक में बहुत चेंजेस है। तो ये बहुत अच्छी लुक इसकी आ जाती है, सूदिंग लुक, स्पोर्ट्स लुक, एकदम जो कह सकते हो आप, कंप्लीट लगती है। कंप्लीट, इसकी जो कॉस्टिंग हमने रखी 3800 रखी है विद पेंट। ठीक, अच्छा, पेंट मतलब वैसे ही ब्लैक आता है बट उसके बाद आप इसको पेंट, रॉ कलर जो फाइबर का आता है वो। अच्छा अच्छा, उस पे हमने इस पे सिल्वर कलर कराया। ठीक है, तो जो भी बाइक की थीम है उस अकॉर्डिंग आप कलर चेंज करा सकते हो। ठीक है, फिर एक ये इंडिकेटर है छोटे से, इसको स्ट्रॉबेरी इंडिकेटर नाम दिया हमने। ठीक है, और ये एकदम परफेक्ट पैनल की फिटिंग के हिसाब से बना, 400 पेयर इसकी कॉस्टिंग। तो यार एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बाइक पे जो भी एसेसरी लगी है ना वो यूनिवर्सल नहीं है, स्पेसिफिकली वो यामाहा R1M के लिए ही आई है। तो भैया एक और चीज बताओ मेरे को, इनकी गारंटी वारंटी क्या चीज होती है, आप इन हाउस ही बिल्ड करवाते हो, क्या चीज है थोड़ा सा? देखो, जैसे ये क्रैश गार्ड है ये हमारा है, तो इसमें जंग लग जाता है अगर 6 महीने तक तो इसकी पाउडर कोटिंग की वारंटी है, बाकी तो कोई इलेक्ट्रिक चीज है नहीं जो खराब होगी। और अगर कहीं से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जैसे टांका निकल गया, वेल्डिंग निकल गई, वो सब चीज की गारंटी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, टेस्ट एंड ट्रायल सब कुछ। लेकिन फिर भी एक ह्यूमन एरर हो सकता है तो उसके लिए हम बैठे। ठीक है, ठीक है, जैसे ये नंबर प्लेट हो गया, ये हो गया, ये पीछे का हो गया, आगे एक सैडल स्टे और ये है, ये सारा हमारा इन हाउस है। ठीक है, अगर हम पीछे से बाइक को करें, पीछे भी आपने काफी कुछ लगा रखा है, ये टेल लाइट लगी हुई है। देख रहे हो आप, मैट्रिक्स इंडिकेटर है, वो बहुत प्यारी लुक दी हुई है, बहुत सही, बहुत एलईडी और बहुत मतलब जबरदस्त एलिगेंट, हाँ एलिगेंट लुक है। इसकी कॉस्टिंग 3200 रुपीज है। ठीक है, और ये इंडिकेटर इसके साथ है या फिर अलग? नहीं, इंडिकेटर ये जो है अलग है, हमने इम्पोर्टेड मंगवाया है। और एक्चुअली ये यहाँ लगते हैं, तो यहाँ से हटाकर हमने इसको यहाँ लगा दिया, कस्टम इंडिकेटर कस्टम बना दिया अपना डिजाइन जिसे कह सकते हो। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग है 2300 रुपीज पेयर इंडिकेटर। हाँ, ओके, अगर हम टेल टाइडी की बात करें तो टेल टाइडी भी फोल्डिंग टेल टाइडी है। इसकी कॉस्टिंग है 1250। एक इसमें इंडियन वर्जन आता है वो 750 का है, वो तो नॉर्मली है। हाँ, और भी बहुत सारी टेल टाइडी के ऑप्शंस है। तो भैया और कुछ रह गया हो बाइक में आप बताना चाहो? काफी कुछ है, काफी कुछ है। रियर फुट पैग है, ये भी हमने चेंज करे है। ओके, इसमें भी अलग अलग कलर ऑप्शन है और इसकी कॉस्टिंग 1450 है। ये बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का हमने मंगवाया हुआ है। हाँ। आगे क्वांटिटी आएगी तो उसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है फ्यूचर में। ये एक्सक्लूसिव अभी यहीं पे मिल रहा है, मार्केट में एक्सेसरीज है ही नहीं, नई बाइक है, मार्केट में भी एक्सेसरीज आई नहीं है, तो इसलिए भाई उसके हिसाब से, यहाँ पे लाइट दी हुई है हमने, एलईडी लाइट, एलईडी लाइट 400 रुपए का पेयर है ये। ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू होगी पूरी आपकी बाइक का पेयर, इतना बड़ा रेंथ आएगी। और उसके अलावा हमने ज्यादा लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ भी है, नंबर प्लेट में भी है, तो मतलब 200 का पर पीस है वो। ओके, तो यही पूरी बाइक भैया ने एक्सप्लेन कर दिया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, जिसको हमें रटने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि इतनी सारी एक्सेसरीज थी, कोई मैं भूल जाऊंगा, कोई भैया भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, ये बाइक आपको कहाँ पे मिलेगी? PGX आओगे करोल बाग, तो यहीं पे खड़ी होती है, ये कहीं नहीं जाती, डिस्प्ले में मिलेगी आपको, डिस्प्ले में मिलेगी। तो भाई आजो सीधा, अगर आप आते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वीडियो देखो, वीडियो देख के भैया को बोलो कि भैया ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर हैं वैम वीडियो यूट्यूब चैनल के, तो भैया उसके लिए भी थोड़ा बहुत रिगार्ड प्लीज करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। इंस्टाग्राम हमारा पेज है,
ठीक है, और वहाँ भी इसकी नई नई अपडेट्स आती रहती है, वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप आप करोगे, आपको लोकेशन ये सारी चीजें मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। स्क्रीन शॉट भेजो, कोई भी प्रोडक्ट का रेट बता देंगे। ओके, स्पेशल ऑर्डर पे जैसे कोई टूरिंग करता है, ओहो, हमने ये बनवाया। क्या बात है। तो भाई अब वो टेंशन छोड़ो कि अगर आप फेयरिंग वाली बाइक ले रहे हो तो आप राइड नहीं कर सकते। भाई अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आपको पूरा पैनियस वैनियस का सेटअप पूरा सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया भैया, मेरे को नहीं लगता करोल बाग में किसी के पास भी, मतलब कोई भी अगर बेचता है तो भैया से ही मंगवाता होगा। नहीं, आप कह सकते हो इसके लिए स्पेशलिटी हमारे पास है। अच्छा, मार्केट में, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेड भी है, डायरेक्ट इम्पोर्ट भी करते हैं और ये यूनिट से भी बनता है, दोनों चीजें। इसकी जो कॉस्टिंग है 3200 है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज हुआ है और पाउडर कोटिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और उसके अलावा एक ये पीछे का लगेज रैक है, सिर्फ किसी को ये ना लगवाना हो, ये लगवाना हो, ये भी लगा सकते हैं। और इसका प्राइस 1500। ठीक है, एक बार साउंड सुन लेते हैं और उसके बाद वीडियो को रैप अप करते हैं। ये जो साउंड है ये भी डिबी किलर है। ठीक है, ये जैसे कंपनी का ओरिजिनल आता है वैसी आवाज है। ठीक है, ये हम हटाएंगे तो आवाज तेज हो जाएगी।